वैसे तो मेरे सुबह की शुरुआत होती है 3 बजे, पर अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और स्टडी गोइंग ऑन लाइक दिस। दिस इज़ माय स्टडी टेबल। दिन भर स्टडी के बाद मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और फिर रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे डिनर की प्रिपरेशन चलती है। और डिनर के लिए आज मैंने भिंगा के रखा है चने और मूंग, आलू, टमाटर, प्याज। और अभी मैं एक ही चीज़ बना सकती हूँ, अभी तो रात के 10:30 बज रहे हैं, तो खिचड़ी। खिचड़ी बट इन अ डिफरेंट वे। रात को मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ क्योंकि रात को डाइजेस्टिबल चीज़ें खानी चाहिए जो पौष्टिक हो और कम, ताकि लेजीनेस ना आए। और हेल्दी, आई प्रिफर हेल्दी फूड। आई डोंट लाइक ऑयली एंड टू मच फ्राइड थिंग्स। आई यूज़ टू हैव खिचड़ी बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। एट नाइट, मोस्टली एट नाइट इन डिनर आई प्रिपेयर खिचड़ी ओनली। डिनर में खिचड़ी अच्छा है। सुबह का खाना कहते हैं राजा की तरह खाना चाहिए, शाम का खाना, दोपहर का खाना फिर थोड़ा कम, उसके बाद रात का खाना बहुत कम, तो ऐसा है। और बातों ही बातों में मेरी खिचड़ी हो गई तैयार। बहुत ईजी वे में बन जाता है। जितनी भी फ्रूट्स सब्जी आपको सब डालनी है सब डाल दो, पका दो, उसके बाद फिर थोड़ा सा तड़का लगा दो। हल्का सा ऑयल या घी यूज़ करके, मैं तो थोड़ा सा घी यूज़ करती हूँ ऑयल की जगह। बहुत इजी है, आप भी बनाइए। और मेरा डिनर तो प्रिपेयर हो गया, रात के 10:30-11 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं। तो खुशबू भी अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा होगा। ऑफकोर्स है, खुशबू से ही पता चल जाता है टेस्ट का खाने में। और अचार के साथ खिचड़ी, दैट्स अ परफेक्ट वन, आई ऑलवेज प्रेफर। सो दिस इज ऑल। ये दोपहर का लंच था मेरा, जो मैंने डालना भूल गई थी आपको वीडियो, तो देखो देखो। दोपहर के लंच में था चावल और आलू की सब्जी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।